हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कन्हैया जी पांडे आपका केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग नवम के विषय भूगोल के पाठ 7 भारत के पड़ोसी देश नेपाल पुस्तक भारती भवन में दिए गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं तथा उन प्रश्नों के तथ्यात्मक विश्लेषण के द्वारा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा पहला सवाल है कारण बताएं। इसमें कारण बताए का पहला सवाल है, नेपाल में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, क्यों? जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि नेपाल एक पर्वतीय देश है, यह हिमालय पर्वतमाला में अवस्थित एक छोटा सा देश है। इस देश में खनिज संपदा का व्यापक अभाव है और यहाँ ऊँचे पर्वत हैं, जिसके कारण यहाँ परिवहन के मार्गों यातायात के साधनों का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाया है। इसके अलावा नेपाल एक गरीब देश है जहां पूंजी का अभाव है। इन सब कारणों के कारण नेपाल का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। स्टूडेंट हमारा दूसरा कारण बताएं का दूसरा प्रश्न है, नेपाल में बिहार की अपेक्षा कम तापमान मिलता है, क्यों? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि नेपाल हिमालय पर्वतमाला में अवस्थित एक पर्वतीय देश है जो ऊंचाई पर बसा हुआ है। हम जानते हैं कि जब हम समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण नेपाल का तापमान जो है, नेपाल का तापमान कम है, वहाँ कम तापमान मिलता है, जबकि बिहार एक मैदानी प्रदेश है जहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण बिहार में तापमान अधिक मिलता है। तो यही कारण है कि नेपाल में बिहार की अपेक्षा कम तापमान मिलता है। अब स्टूडेंट हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे। हमारा अति लघुतरीय प्रश्न संख्या 1 है, बृहत हिमालय क्या है? तो जैसा कि विद्यार्थीगण आप जानते हैं कि हिमालय पर्वतमाला को की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, दूसरे को हिमाचल और तीसरे को शिवालिक कहते हैं। तो बृहत हिमालय हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, नेपाल के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो विद्यार्थीगण नेपाल के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ तकरीबन 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हमारा तीसरा सवाल है विद्यार्थीगण कि काठमांडू क्या है? तो काठमांडू एक घाटी है जो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू बागमती नदी के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और रमणीय नगर है। अब स्टूडेंट हम लोग भारत के पड़ोसी देश नेपाल पाठ 7 के लघुतरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला सवाल है, एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है, यह नेपाल के किस भाग में स्थित है? तो विद्यार्थीगण एवरेस्ट चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के उत्तरी भाग में अवस्थित है, नेपाल के उत्तरी भाग में अवस्थित है। हमारा
तीसरा सवाल है, नेपाल के पड़ोसी देशों और भारतीय राज्यों के नाम बताएं और ये भी बताएं कि ये किस दिशा में अवस्थित हैं। तो नेपाल के उत्तर में तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के दक्षिण में भारत के दो राज्य बिहार एवं उत्तर प्रदेश अवस्थित है। इसके पूर्व में सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल अवस्थित है तथा इसके पश्चिम में भारत का उत्तराखंड राज्य अवस्थित है। अब विद्यार्थीगण, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। नेपाल की 3 बड़ी नदियों के नाम बताने हैं। तो नेपाल की प्रमुख नदियां, 3 बड़ी नदियां जो है वह कोसी, जिसको सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नारायणी, जिसे भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है, और तीसरा बागमती नदी है। बागमती नदी के किनारे नेपाल की राजधानी काठमांडू बसा हुआ है। हमारा चौथा प्रश्न है विद्यार्थीगण, नेपाल का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन है? तो नेपाल का प्रमुख औद्योगिक नगर विराट नगर है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं कि नेपाल में किस वर्ष वायु सेवा प्रारंभ की गई थी? तो नेपाल में 1950 में भारत के सहयोग से पहली बार वायु सेवा की शुरुआत की गई थी। भारतीय सहयोग से नेपाल में कई सड़क परियोजनाएं और रेल परियोजनाएं भी शुरू की गई है। तो इस प्रकार स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड के वर्ग 9 के विषय भूगोल के विभिन्न पाठ 7, भारत के पड़ोसी देश नेपाल के विभिन्न प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।